गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम वेसु के केटीएम में, ये सूरत में प्लेस है वेसु, यहाँ पे केटीएम के शोरूम है। देखो ऐसे मतलब किसी पार्टिकुलर कोई ऑनर होता है उसकी गाड़ी लेके ऐसा वीडियो बनाना समझ में कम आता है, उसके बारे में थोड़ा कम बता पाते हैं हम। डायरेक्ट चलेंगे जो शॉप मतलब जो शॉप पे बैठे जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल्स बताते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ओके सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट की, तो अगर आप ये इसका हेड देखो तो ये 200 जैसा सेम हो गया है और इसका लुक भी 390 जैसा हो गया, मतलब अब तो वैसे 200 ड्यूक जैसा हो गया है। ओके ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LED टेल लाइट्स आपको मिल जाएंगी जो कि काफ़ी सही है, 3 LED इसमें आते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। ये अगर आप देखो तो WP के सस्पेंशन है जो कि देखने में ही काफ़ी मोटे तगड़े और अच्छे दिखते हैं और वैसा इसका परफॉर्मेंस भी है। और इसकी हम अगर बात करें व्हील्स की तो वह 17 इंच के अलॉय व्हील्स। ओके और फ्रंट का टायर का साइज़ है 110/17। ये आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा 300 mm का, इसमें ABS है। अच्छा ये सिंगल चैनल ABS है, सिर्फ मतलब आपको फ्रंट में मिलेंगे। ये हैं इसके रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पे ये है इसका रेडिएटर जो कि आपके इंजन को ठंडा रखने में काफ़ी मदद करता है। ये ऑयल कूल्ड इंजन है और इसके अगर ग्राफिक्स पे ध्यान दो तो ये ऑरेंज कलर में ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे इन्होंने दिए हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आता है, ऑरेंज वैसे है ही अट्रैक्टिव। और यहाँ ये आपका कूलेंट सिस्टम है। ओके और अगर आगे आप देखो तो यहाँ पे ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है गार्ड्स, मतलब ये लेग गार्ड जो है। ओके ये भी काफ़ी सही है, मतलब छोटे से और काफ़ी सही, ज़्यादा हैवी आपको दिखते नहीं है। नीचे भी आपको गार्ड्स मिल जाएंगे, मतलब आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सही है ये भी। अगर आप इसकी ये फ्रेम को देखो तो ये भी डुअल टोन में इसका फ्रेम है, मतलब आप सेम देख लो 200, मतलब अभी न्यू 200 BS6 जैसा ही इसका लुक है। ये अगर आप फुटरेस्ट देखोगे तो ये भी फोल्डेबल है। और ये हैं इसके मोनोस्टॉक के सस्पेंशन जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब देखने में ही पता चलता है कितना भारी है। ओके पीछे की फुटरेस्ट है, आप इसको फोल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसकी सीट हाइट है 818 mm, काफ़ी ज़्यादा है मैं पहले आपको बता दूँ। ओके और इसकी सीट मटेरियल की बात करें तो भी काफ़ी टफ और काफ़ी अच्छी है, मतलब ये लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छी होती है। अगर ज़्यादा नरम होती है तो आपको आगे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे कमर पेन और आपके बट पे पेन होने लगेगा। और यहाँ पे ये जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके इसके टैंक है 13.5 लीटर्स के जो कि आपको माइलेज देंगे 40 के अराउंड, ऐसा कंपनी कहती है। काफ़ी सही है, अगर 30 लीटर का है तो ठीक ही है। और ये आपका किल स्विच वगैरह, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इसके बटन्स वगैरह लगते हैं, काफ़ी सही हैं। ये इसकी की और की होल यहाँ पे हैं, ये हम ऑन करते हैं तो ये काफ़ी सारे इसके पोजिशनिंग लाइट है, मतलब आपको इसके जो लाइटिंग इंडिकेटर है उससे आइडिया मिल जाएगा। और ये इसका फ्रंट LED DRL, काफ़ी सही और अच्छा लुक आता है देखने में, काफ़ी बढ़िया है। ओके अब यहाँ पे आते हैं इसके कंसोल पे जो कि यहाँ पे कवर्ड लगा है फिलहाल तो। और मैं वैसे आपको बता दूँ काफ़ी सारे इसमें इंडिकेटर्स हैं, मतलब डेंजरस के इंडिकेटर्स और किल स्विच, ये सब काफ़ी सारे सेंसर्स हैं इसमें। आप जब तक स्टैंड आप ऊपर नहीं लोगे तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। ओके और काफ़ी सारे साइंस जैसे ABS और लो ऑयल। ओ मैं यहाँ की बात कर रहा था कि ये पोजिशनिंग लाइट, मतलब आप रात में अंदाजा लगा सकते हो इसकी लाइट से कि किस चीज़ के ये स्विचेस हैं। ओके हम पीछे आते हैं तो आपको मिल जाएंगे 220 mm के डिस्क ब्रेक विथ नो ABS। और ये भी हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स विथ 150/60। और अगर आप बैक में देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, अगर आप गाड़ी को थोड़ा भी कर्व करते हो तो काफ़ी सही लुक आएगा, देख सकते हो आप। ओके काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छे लुक हैं इसके। और अगर आप टेल्स की बात करो तो भी LED टेल्स मिल जाएंगे आपको पीछे, LED लैंप्स विथ LED इंडिकेटर्स। और यहाँ पे आप अगर नंबर प्लेट के भी आपको लैम्प मिल जाएंगे। ओके इसमें 5 कलर ऑप्शन है, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज एंड सिरेमिक वाइट। जहाँ पे आप ये 2 कलर ही देख रहे हैं, मतलब और अवेलेबल है अगर आप ऑर्डर देते हो तो। वैसे दोनों ही काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में भी। ये अगर आप ब्लैक और वाइट कलर देखोगे तो काफ़ी सही इसमें भी ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं। ओके अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये 14.3 हॉर्स पावर के हैं। ये मैक्स टॉर्क इसमें 12 Nm का, मतलब काफ़ी ठीक है, 125 cc है। और कंपनी कहती है कि आप 120 इसको टॉप स्पीड ले जा सकते हो। अच्छा वैसे आप पे डिपेंड करता है, 125 भी ले जाने वाले लोग ले गए हैं और ये मैंने बात पहले ही सुना है। ओके और ये कूलिंग सिस्टम, मतलब ये लिक्विड कूल्ड है, 6-speed मैनुअल, उसमें आपको गेयरबॉक्स मिल जाएंगे। ओके ओके मैंने बताया 13.5 लीटर के इसके टैंक कैपेसिटी है जो कि इसकी राइडिंग रेंज आपको मिल जाती है 540 किलोमीटर की, काफ़ी सही है, 40 का KMPL है अराउंड। गाड़ी डिपेंड करती है टोटली ऑनर के ऊपर कि वो इसको रखते कैसे, चलाते कैसे हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस है सूरत में 1,71,000 और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एड्रेस भी डाल दे रहा हूँ, नंबर भी डाल दे रहा हूँ, कोई क्वेरी हो आपको तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।